हे नमस्कार दर्शक बंधु, मैं सोमेन। दोस्तों आज इस वीडियो में दिखाएंगे मेरा जितना भी सारे कुनूर के बच्चे हुए हैं वो सारे बच्चों का जो है कि नेस्टिंग मटेरियल को क्लीन करना है। ठीक है, आप देखोगे कि बहुत लोग बच्चे हो जाने के बाद नेस्टिंग मटेरियल को क्लीन नहीं करते, उसमें ही बच्चे को पड़े रहने देते, तीन चार बच्चे होते। और ये जो गर्मी का मौसम है ना, गर्मी के मौसम में कुछ बर्ड्स के बच्चों को ना थोड़ा गीला पॉटी ज़्यादा होता है, मतलब पॉटी में से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, इसके वजह से वो बॉक्स या मटकी जो भी है वो गीला हो जाता है। कुनूर में हो या बजरी में हो, लबड़ में भी हो सकता है, कॉकटेल में भी हो सकता है। तो ये गीला जो है नेस्टिंग मटेरियल या जो कीचड़ कीचड़ जैसा मटकी या बॉक्स के अंदर बनता है, इसको क्लीन करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इसको क्लीन नहीं करोगे तो बच्चे के पैर में मुँह में लगेगा, फिर जब ये सूखेगा तो उसका मुँह बंद हो सकता है, माँ बाप उसको खाना नहीं खिला दे सकता, या फिर उसके पैर में लग सकता है, पैर में नाखून में वो ऐसा मोटा सा बन सकता है, बाद में जब आप खोलोगे तो नाखून या उंगली समेत टूट सकता है। ठीक है, और भी क्या है, बर्ड्स की बच्चों की जो फेदर कंडीशन है ये भी ख़राब हो जाती है, बर्ड्स को बुखार हो सकता है, बीमारियां हो सकती है, क्योंकि वो भीले गीला सा एक नीचे जगह में कीचड़ में पड़ा रहता है। तो इस अवस्था में देख के जितना भी छोटा बच्चा है, मान लो दो तीन बच्चे बड़े हैं, एक दो छोटा है तो छोटा एक्सपायर हो सकता है, या एक गंदगी हो जाती है बॉक्स या मटकी के अंदर, ये गंदगी को देख के पेरेंट्स जो है उसके माँ बाप उसको खाना नहीं खिला सकती है, ऐसा भी कर। देखिए दोस्तों, इसके जो है कि बच्चों को आपको दिखाते हैं, देखिए ये हैं सारे बच्चे, ये थोड़ा बड़ा हो गया है और ये दोनों छोटे छोटे। देखिए जो एकदम जो प्रॉपर हेल्दी बच्चे होंगे और जिसका नेस्टिंग मटेरियल एकदम सूखा होगा, उसकी क्वालिटी, उसकी हेल्थ, उसकी जो ग्रोथ वो बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर ये नेस्टिंग मटेरियल अगर गीला हो जाए, बहुत ज़्यादा गीला हो जाए, तो बच्चों की ग्रोथ पे भी असर पड़ेगी। ठीक है, ये जो ग्रोथ देख रहे हैं अब, ये ऐसा ग्रोथ नहीं रहेगी, इसके फेदर कंडीशन, कलर, हेल्थ सब पे असर पड़ेगा। और एक हेल्दी और एक अच्छे बच्चों की पहचान भी यही होती है कि वो वेंटिलेशन अगर ठीक ठाक मिले बॉक्स में, केज में, तो उसकी जो है कि पॉटी ठीक रहती है, मतलब पॉटी में से बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकलता है। अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार है और वेंटिलेशन नहीं है, अंदर थोड़ा हब सा बन रहा है, तो उसमें पॉटी में से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। और दोस्तों इस टाइप के जो बच्चे हैं ना, ये हैंड फीडिंग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो हैंड फीडिंग करता नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा ये है प्रॉब्लम, नहीं तो फिर हैंड फीडिंग में अगर इसको लिया जाए तो क्या है, इसका जो पेरेंट्स है ये फिर से ब्रीडिंग पे आ जाती है, मतलब एक ही बार में दो तीन क्लच मिल जाता है। दूसरा जो ब्रीडिंग बॉक्स चेक करेंगे उसमें देखेंगे कि नेस्टिंग मटेरियल जो है वो कैसा है, उसका हालत कैसा है, चलिए देखते हैं, इसका थोड़ा चेक करते हैं, इसका भी सही है, प्रॉब्लम नहीं है। ये भी नेस्टिंग मटेरियल आप देख सकते हैं, एकदम पूरा एकदम सूखा है। ठीक है, इसमें ये है येलो येलो साइडेड के बच्चे, और इसमें एक पीस ब्लू येलो साइड है, ये हो रहा, ये रहा एक पीस ब्लू येलो साइड। ये वाला है दोस्तों ब्लू येलो साइड, देखिए चलिए ये भी सही है, ठीक ठाक है। अभी दर्शक बंधु ये वाला जो बॉक्स है इसमें तीन बच्चे थे, वो बड़े हो गए, बाहर आ गए पूरे एकदम। ठीक है, इसका भी बॉक्स उतना ज़्यादा गीला नहीं हुआ है, पूरा सूखा है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, मतलब ये इतना अच्छा सूखा है, इतना अच्छा क्वालिटी इसका अच्छा है नेस्टिंग का, आप अगर नेस्टिंग को चेंज ना भी करो तो इसमें ही
नेक्स्ट एक ब्रीडिंग लिया जा सकता है। और ये बच्चे सारे बाहर आ गए हैं, अब दिखाते हैं, ये देखिए सारे बच्चे बाहर आ गए हैं, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे एक बॉक्स है, इसकी जरा नेस्टिंग को चेक कर लेते हैं। इसका नेस्टिंग थोड़ा बहुत गीला हुआ है, देखते हैं, ठीक है, इसका नेस्टिंग का हालत खराब है क्योंकि ये विंडो से थोड़ा साइड में है, तो इसको चेंज करना होगा। ये जो पोटी कर रहा है यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा गीला गीला हो रहा है, मतलब पोटी में से पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है। ये देखिए दोस्तों, नेस्टिंग मटेरियल को अच्छे से डाल दिए हैं, एकदम टिप टॉप क्लीन सा लग रहा है, ठीक है। चलिए अभी बर्ड्स को छोड़ देते हैं। दोस्तों ये रहा पाइनएप्पल के वो छोटे छोटे बच्चे, इसको इसमें छोड़ देते हैं। दोस्तों जो है कि नेक्स्ट बॉक्स आपको दिखाते हैं, चेक करते हैं इसका क्या हाल है। इसका तो थोड़ा सूखा ही है, उतना ज़्यादा गीला नहीं है, चलिए इसको चेंज नहीं करते हैं, बच्चे एकदम बड़े हो जाने के बाद ही चेंज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो सुपर रेड फैक्टर का पेयर था, इसका भी एक बार बच्चों को चेक कर लेते हैं क्या हाल है इसका, इसके बच्चों का, ठीक है। यहाँ पर है इसके बच्चे, देखिए इधर पे भी सूखा ही है, ज़्यादा गंदा तो नहीं हुआ है, पूरा सूखा है एकदम, ठीक है। इसको भी क्लीन नहीं करते हैं, रहने देते हैं। ये जो बॉक्स के अंदर नेस्टिंग मटेरियल को क्लीन करते ये जो वीडियो बनाया मैं, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा वीडियो है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो देख के आप लोगों को कुछ हेल्प हुआ होगा, कुछ आइडिया मिला होगा कि मेल फीमेल हुआ बर्ड का, हमने अच्छा फूड दिया, डाइट दिया, ठीक है, केज साइज भी ठीक है, उसके बाद बर्ड ने ब्रीडिंग भी किया, अंडा भी दिया, अंडा फर्टाइल भी आए, लेकिन उसमें से जो बच्चे भी आ गए, उस बच्चे को पूरा सेल्फ फीडिंग करने तक का जो प्रोसेस है, बीच का जो एक महीना दो महीने का जो टाइम लगता है, प्रोसेस है, ये बहुत एक मुश्किल सा टाइम है। सारे बच्चों को अच्छे से बड़ा करना, बचाना, एकदम हेल्दी होना बच्चा, और वो बच्चे को जब 5-6 महीने हो जाए, 4 महीने हो जाए, या किसी को बेचो, सेल करो, तो वो भी हेल्दी एक बर्ड को मिले उसको भी, तो ये जो छोटा छोटा जो बात है इसको ध्यान रखना है, तभी एक आप एक अच्छा से बच्चों की ग्रोथ कर पाएंगे, और ये बच्चों को कोई किसी को बेच पाओगे, वो भी खरीद के उसको भी फायदा होगा कि हाँ भाई हमें अच्छा बर्ड मिला है। तो दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा दोस्तों लाइक करना, शेयर करना आपके सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।